जम्मू कश्मीर से हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैम, नमस्कार आपका सर। नाम? मौनी शर्मा। जी मौनी जी, सर नमस्ते। जय हिंद, स्वागत है मौनी जी आपका। हाँ जी सर, मेरे दो क्वेश्चन आपसे मैं करना कर चाहती हूँ। जैसे मेरे पति बीमार थे अक्टूबर से, तो दो बार पहले से बात आपसे हुई है। जैसे आपने जैसे उनको एलर्जी और बलगम होती है, बलगम अभी तो कुछ चीज खाते हैं, सिर्फ सिंपल खाना दाल और रोटी खाते हैं, उससे भी बलगम होती है, जैसे बलगम होती है और गले में आके रुक जाती है। तो आपसे पहले बात हुई तो आपने माजू आके बताया था, तो अभी 3 महीने हो गए, चौथा चल रहा है लेने के लिए। तो फिर दोबारा आपसे कॉल की थी तो आपने बोला जैसे पिपली और 100 ग्राम के साथ 50 ग्राम पिपली, उसका पाउडर तो मैंने कल बना के अभी भेजा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ उसको कैसे लेना है, जैसे माजू एक चुटकी जैसे माजू आके के डाल के खानी है, ये पूछना है कैसे खानी है। ठीक है, तो देखिए पीपली का पाउडर अलग से बना लें और एक चुटकी में जितनी पीपली आए माजून आर केयर में मिला दें और फिर इनसे खाने को कहें, या अलग से खिला दिया करें उसके बाद, उससे पहले ये ऐसे दो बार करें तो इससे फ़ायदा होना मुमकिन है। और वो नुस्खा जो मैं बताता हूँ वो इस तरह है कि जैसे सपिस्तान, उन्नाव, अलसी, ये तीन चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर लें, और सपिस्तान, उन्नाव, अलसी और पीपलें 30 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बनाना बेहतर है। इसका एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम खाने से भी इस सेम फायदे मुमकिन है। जी एमपी से हैं अगले कॉलर भोजराज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। आपको भी नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है भाई आपका। डॉक्टर साहब मैं 12 साल से घुटने दर्द हो रहे हैं, मेरे को 80% आराम है। अरे बहुत मुबारक आपको, क्या लिया आपने? देखिए पूरा इंडिया सुन रहा है, आप बताइए क्या लिया आपने ताकि और लोग भी अच्छे हो सके। 200 ग्राम गोंसिया लिया था और 100 ग्राम और बुला लिया है। अच्छा, उसके में अलसी खा रहा हूँ सर। अच्छा बहुत आराम है। तो ठीक है, आपकी बात हम तक पहुंच गई, आवाज़ में कुछ डिस्टरबेंस था लेकिन पूरी बात पहुंच गई। देखिए गौंसिया असली आधा आधा ग्राम लेना होता है। इनका नुस्खा यूँ था कि अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बना लिया जाए और आधा चम्मच अलसी और आधा ग्राम गौंसिया जिनको असली मिले वो दिन में दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के पश्चात, पानी से या कम चर्बी के दूध से अगर लिया जाए तो ये दुनिया की एक ऐसी रॉ मटेरियल है जिससे हम लोगों को फ़ायदा पहुंचते हुए देखते हैं। इसमें एहतियात ये कि जैसे इनको 12 साल से दर्द था घुटनों में हो या कमर में हो, किसी के कहीं भी हो, तो एहतियात यह है कि ऐसे लोग वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला टॉयलेट इस्तेमाल करें और वज़न वगैरह ना उठाएं। महिलाओं के लिए झाड़ू पोंछा भी लगाएं, उसकी भी पाबंदी रहेगी कुछ दिन जब तक इलाज उनका जारी है, फिर उस ठीक होने के बाद तमाम सब कुछ करने की इजाज़त है। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया सर बताने के लिए कि आपको 80% फ़ायदा मिल गया है। आपको 12 साल से परेशानी थी पैरों के दर्द से, आप इतने ज़्यादा परेशान थे और मैं ये यकीन से कह सकती हूँ बहुत सारा ट्रीटमेंट आपने ज़रूर फॉलो किया होगा, बहुत सारी दवाइयाँ आपने ज़रूर खाई होंगी। लेकिन देखिए हम कहते हैं ना कि अगर आप थोड़ा सा सब्र रख लेते हैं, थोड़ा सा इत्मीनान कर लेते हैं तो रिलीफ आपको मिलता ही मिलता है दर्द को। तो अगर आप लोग कोशिश करते हैं तो हार आपको नहीं मिलती है, क्योंकि जब आप लोग इत्मीनान के साथ, संयम के साथ थोड़ा वक्त दे देते हैं नुस्खों को, तो आप किसी भी रोग का काट कर सकते हैं, वो भी जड़ से। सालों साल की कोई बीमारी अगर आपको हो गई है उससे आप लोग निजात पा सकते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं इन नंबर्स पे जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। अगले कॉलर हैं जालंधर से अनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्कार मैम। सर जी नमस्ते।
जय हिंद, स्वागत है आपका। सर मैंने ना, मेरा बेटा 32 साल का वरुण है, तो मैंने आप उधर डिप्रेस है सर, मेरी आगे भी बात हुई आपसे 2-3 टाइम पर, मेरी बात अच्छी तरह हो नहीं पाई। मैंने आपकी कंपनी से 3 डिब्बे अनकेयर उसने खा लिए हैं और चौथा चल रहा है। एक डॉक्टर साहब ने फाइन ब्रह्मी प्लस भेजा था, वो भी 1 डिब्बा खा लिया है सर। अब उन्होंने एम केयर और कलोंजी चमन प्राप्त भेजा है। अच्छा, बच्चे की तबीयत कैसी है? उसकी कई बातें हैं, दिमाग से भूल नहीं पाता, बार बार वही दहराता है। ठीक है, अच्छा देखिए, गौर से सुनिए। बड़ी मुश्किल है कि सबसे बात नहीं हो पाती, और जब आप एक डॉक्टर से बात करते हैं तो फिर अगली बार वो छुट्टी पे होते हैं तो दूसरे से होती है, तो ये एक मजबूरी है। और मेरा नुस्खा आप सुन लीजिए, कलौंजी प्राश खिलाइए उन्हें एक बार कम से कम, ज़्यादा ज़्यादा 2 बार। लेकिन एक और बहुत अच्छा नुस्खा बताने जा रहा हूँ, धनिया तो आप जानती हैं, धनिए को खूब बारीक पाउडर बना लें, खूब बारीक। और धनिया का पाउडर सबके पास होता ही, बस असली हो, मिलावट का ना हो, क्योंकि दवा का मामला हो जाता है। तो इस धनिए को आप जितना धनिया लें, जैसे 100 ग्राम धनिया लें और 100 ग्राम शहद में इसको मिक्स कर दें। मिक्स हो गया, अब आपको खाना कैसे है? नमक जैतून आता है, असली नमक जैतून, नकली नहीं, असली, देखने में बिल्कुल नमक जैसा ही होता है, स्वाद में नमकीन नहीं होता। तो ये नमक जैतून एक चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाएं, और ये जो धनिया आपने शहद में मिलाया है 1 चम्मच भर के इन्हें खिलाएं। और ये पानी जो नमक जैतून वाला है, 1 गिलास या 2 गिलास पानी पिला दें रात को सोते समय और दिन में सुबह निहार में। अगर ये आप लगातार 6-7 महीने इस्तेमाल करें तो बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ कर्नाटक से, सलमा, स्वागत है आपका। अस्सलामुअलैकुम हकीम साहब जी। वाले सलाम। हेलो सर, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो मैं सिलगुले का घोल मंगाई हूँ, मैं पहले पूरी थी टॉन्सिल की जगह मेथी का खाना, वो आप कम नहीं हुआ, वो मैं एलोपैथिक दिखाई हूँ थोड़ा कम हुए हैं, लेकिन सिलगुले का घोल भी मंगाई हूँ। लेकिन सर मैं बच्ची को दूध पिलाती हूँ, क्या मैं ले सकती हूँ? क्या तकलीफ बच्ची को होती है? और एक सवाल है सर, मैं गोंद सिया भी और जैतून का नमक भी ले सकती हूँ क्या? नहीं, उसके साथ तकलीफ तो नहीं होती मेरी बच्ची को? ठीक जी। देखिए, एहतियात के तौर पर आप एक खुराक लिया करिए, और वैसे कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर गोंद सिया भी एक खुराक लें और गोंद चिलगोजा भी एक खुराक लें, और ये सिरका भी आप एक खुराक ले सकते हैं। आपको फ़ायदा शुरू हो गया है, बहुत जल्द आप पूरी तरह तंदुरुस्त होना आपका मुमकिन है जी। चंडीगढ़ से हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी, आपका नाम क्या है सर? मैम इन्होंने ना दवाइयाँ लेनी है। अच्छा ठीक है सर, आप उसके लिए हेल्पलाइन नंबर पे प्लीज कॉल कर लीजिए। आपका कोई सवाल तो नहीं है? मैम हेल्पलाइन नंबर बता दो क्या है। चलिए सर मैं आपको बता देती हूँ, हेल्पलाइन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश किया जा रहा है, आप इस पे कॉन्टैक्ट कीजिए। कार्यक्रम का अलग नंबर होता है, हेल्पलाइन नंबर का अलग नंबर होता है, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी अगर रॉ मटेरियल मंगवाना है, आपको कोई भी मेडिसिन मंगवानी है यूनानी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पलाइन नंबर पे ही कॉल करनी होगी। यहाँ पे कोई ऑर्डर हम लोग नहीं लेते हैं, लाइव कार्यक्रम होता है, सिर्फ आप लोग यहाँ पे रोग संबंधी अपना प्रश्न कर सकते हैं, नुस्खे आप लोग जान सकते हैं, हकीम साहब से आप लोग बात कर सकते हैं। दर्शकों देखिए, जब आप लोग की कॉल लगती है टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिएगा, एक एक बात को लिख लीजिएगा, बहुत मुश्किल से आप लोगों की कॉल लग पाती है। तो हम यही चाहते हैं किसी भी बात को आप सुनने से बिल्कुल ना चूके। आप लोग या तो एक वीडियो क्लिप बना लीजिए जिससे कि आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि कौन सा नुस्खा कैसे बनाना है, कैसे हकीम साहब ने बताया है। बाकी दर्शकों आप सभी से अनुरोध और निवेदन है, टीवी का वॉल्यूम कम करके ही बात कीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो, सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम हेलो सर। जी, आपकी आवाज़ आ रही है। वालेकुम सलाम। हाँ, हमारा 16 साल का लड़का है, उसको जुकाम और छींकें बहुत ज्यादा आती है, क्या उसको कब्रिस्तान, उन्नाव, अलसी, पिपले दे सकते हैं? इससे आराम हो जाएगा? जी ज़रूर, आपने तो वाकई लिखा हुआ है नुस्खा और सही लिखा हुआ है तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार और दोहरा देता हूँ क्योंकि लाखों लोग सुन रहे हैं ये नुस्खा, और आप भी अगर गलत लिखा हो तो उसे दुरुस्त कर लें, सही कर लें, बहुत अच्छा मुमकिन है। सपिस्तान 100 ग्राम, उन्नाव 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम। उन्नाव की गुठली निकाल के अलग कर दें, तब इसको पीसना है, पाउडर बनाना है। इसमें 30 ग्राम 30 ग्राम पीपले या पीपला मूल हिंदी में कहते हैं मिला लें, और बाकी चीज़ें 100 100 ग्राम, इनको पाउडर बना के एक चम्मच सुबह खाली पेट निहार मुझे से कहते हैं, गर्म पानी के साथ या चाय के साथ लिया जाए तो बेहतर माना जाता है। बहुत ज़्यादा हो तो रात को सोते वक्त भी ले सकते हैं, शर्त यह है ऐसे मरीज को खट्टी चीज़ें छोड़नी होंगी जब तक इलाज चलता है उस वक्त तक, तो ऐसे लोगों को फायदा होना मुमकिन है। जी, महाराष्ट्र से हैं, माँ स्वागत है आपका। हेलो हकीम साहब, अस्सलाम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मुझे एक सवाल पूछना था। हकीम साहब, मैं ना अपने फेस पे ना एक ना क्रीम लगा ली थी कि ना हकीम साहब, जब ना मैंने उसको छोड़ दी ना तो मेरे फेस पे ना बाल आने लगे पूरे इतना बारीक बारीक, तो हकीम साहब क्या करूं? जी कभी भी ऐसी कोई क्रीम नहीं लगानी चाहिए जो आपको डॉक्टर प्रोवाइड ना करे, और ऐसा हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, नई प्रॉब्लम आपने वो की है। अच्छा देखिए, वो आता है सेंधा नमक, सेंधा नमक पानी में मिलाकर उस जगह पर जैसे क्रीम आप लगाते थे ना, ये पानी ऐसे थोड़ा सा लगा कर छोड़ दिया करें, सेंधे नमक का पानी, और मिर्चें लगेंगी आपको तो या तो बर्दाश्त कर लें या फिर रिमूव कर दें इस पानी को, ऐसा करके देख लें, मुझे उम्मीद है कि कुछ फायदा मुमकिन है। तो अगली कॉलर है हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी, पुष्पा जी बताइए, मैम कहाँ से बात कर रही हैं? जी हम रामपुर से बात कर रहे हैं। आपका सवाल? जी हमने गोंद मुरमुरेंगा और गोंद चिया मंगाया था और वो सिरका। जी हम रामपुर से बात कर रहे हैं। जी जी बताइए क्या? वो गोंद चिया और गोंद मुरमुरेंगा मंगाया था और जैतून का सिरका, तो उसको भी किस तरीके से लिया जाएगा? ठीक है, अभी शुरू नहीं किया आपने। अच्छा देखिए, गौंद स्याह को पाउडर बना लें, सफ़ूफ बना लें, बारीक कर लें, और आधा आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद शहद में मिला कर ले लें या मलाई में मिला कर ले लें, किसी भी तरह आधा आधा ग्राम आपके पेट में खाने के बाद जाना बेहतर है। ये 6-7 दिन में फ़ायदा थोड़ा थोड़ा शुरू करता है, ये एक रॉ मटेरियल है। गोंद मोरिंगा 1 ग्राम एक दिन में आप दूध पानी या नारियल पानी के साथ ले सकते हैं, और सिरका 2 चम्मच दिन में एक बार या 2 बार खाने के बाद पानी में मिलाकर या सालन में मिलाकर लेना बेहतर है। जी, दिल्ली से है नेहा, स्वागत है आपका। हाँ जी हकीम जी, नमस्ते जी। जय हिंद नेहा जी, आपका स्वागत है। हाँ जी हकीम जी, मुझे ये पूछना था, एक तो मुझे बालों में भी बहुत समस्या हो रही है, बाल सफेद हो रहे हैं और सिर में रूसी भी रहती है डैंड्रफ, और बाल बहुत झड़ रहे हैं। कितनी आयु है आपकी? 25 उम्र। बहुत कम उम्र है। अच्छा देखिए, रूसी जिन लोगों के ज़्यादा होती है उनको चाहिए कि जो घर में हमारी मम्मी या जो भी घर की जिम्मेदार हों वो मलाई इकट्ठी कर करके जो एक
घी निकाल लेते हैं घर में, वो घी लगा लगाया करें, कई दिन तक लगातार लगाएं, और फिर एक दो घंटे आपके सर में लगा रहे, फिर उसके बाद वॉश कर लें, गुसल कर लें, नहा लें, स्नान कर लें, तो इससे रूसी जाएगी। तो रूसी जाने से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर नज़ला वगैरह रहता है तो नज़ले का इलाज करें, बाल अभी सफ़ेद होना ठीक नहीं है। और गौन मोरिंगा सफ़ेद आता है एक, याद रखें असली है लें, नकली भी इसमें बहुत आते हैं। सफ़ेद गौन मोरिंगा, लोग लाल सा दे देते तो वो नहीं लें, पीला रंग का दें नहीं लें, बिल्कुल सफ़ेद होता है ये। और ये होता है बर्फ़ी जैसा रंग, जैसे बर्फ़ी आती ना मिठाइयों में ऐसा। तो इसको 1 ग्राम नारियल पानी के साथ रोज़ाना यूज़ करें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।